नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एनवायरनमेंट का हमारा मिसलेनियस अगला वीडियो है, ठीक है। यूपीटेट के लिए, पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा। तो दोस्तों देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो पॉइंट वाइज है दोस्तों वीडियो, ये चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि भारत का सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व सबसे छोटा है, खजुराहो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, खजुराहो में ये लोकेट है, तो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे लार्जेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार है, भारत और श्रीलंका के बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो हिंद महासागर वाली स्थिति है, ठीक है, जहाँ पे एडम्स ब्रिज और यानी कि राम सेतु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो जहाँ पे स्थित है। तो एक तरफ मन्नार की खाड़ी और एक तरफ पाक की खाड़ी है, पाक यानी कि PALK पाक, ठीक है, पाक की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों ही बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के क्रम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन याद रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी कहाँ पे प्राप्त होती हैं, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य प्राप्त होती हैं। बहुत बड़ा एरिया है मन्नार की खाड़ी का, तो इसलिए इसको जो है जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बड़ा एरिया या सबसे बड़ा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व इसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो नेशनल पार्क सबसे छोटा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है और इसका जो एरिया है वो 2 वर्ग मील का है, यानी कि 2 स्क्वायर मील का इसका एरिया है। सबसे छोटा भारत का ये नेशनल पार्क है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में लोकेट है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें चौथा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है भारत का, सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। तो इसकी जो आपकी लेंथ है या आपकी जो सबसे इसका इसका एरिया है वो आपका जो है 4400 वर्ग किलोमीटर का है, यानी कि 4400 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है। तो वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटा बाघ वन्य जीव अभयारण्य बोर टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्धा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पर ये लोकेट है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, कच्छ का रण गुजरात में, ठीक, कच्छ का रण गुजरात में। यहाँ पर जंगली गधे भी मिलते हैं जो आपके IUCN के डाटा बुक में हैं और विलुप्त होने के कगार पे खड़े हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये और वाइल्ड लाइफ जिसे कहा जाता है गुजरात के क्षेत्र में मिलते हैं, कच्छ के रण में, ठीक है, या रण ऑफ कच्छ में प्राप्त होते हैं, ठीक, याद रखिएगा इसको। और ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा दोस्तों, ये पता करिएगा आप लोगों के लिए कि जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है। तो नेशनल पार्क में और इसके साथ साथ में बायोस्फीयर रिजर्व में और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि UN का एक संगठन जो कृषि उत्पाद वानिकी, ठीक, कृषि विपणन यानी कि उसके कॉमर्स और उससे संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है, तो ये जो है डिपार्टमेंट है UN का, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो FAO कब इस्टेब्लिश हुआ था पता करके कमेंट करिएगा, बताइएगा कि UN का ये संगठन कब स्थापित हुआ था, कृषि के क्षेत्र में शोध वगैरह, उनके वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जितना भी शोध होता है, ठीक है, कृषि उत्पादों से उनके वितरण से उनके कॉमर्स के से जितना भी शोध होता है ये सब FAO के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पेड़ों की वृद्धि और विकास
का अध्ययन क्या है, ठीक है। तो पेड़ों की वृद्धि और विकास जो है वो सिल्वी कल्चर कहलाता है। तो ग्रोइंग एंड द कल्टीवेशन ऑफ द ट्री नोन एज द सिल्वी कल्चर, ठीक है। तो ये सिल्वी कल्चर है, पेड़ों की वृद्धि और विकास करना, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे अपने मन मुताबिक व्यक्ति टिम्बर के लिए या लकड़ी के लिए या विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए पेड़ों की वृद्धि करता है और नियंत्रित तरीके से, और उनसे अपने मनचाहे प्रोडक्ट प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये सिल्वी कल्चर है, पेड़ों की वृद्धि और विकास। सुनहरा रेशा, अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, ठीक है। ये बताइएगा कि जूट भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा होता है। तो जूट को आपका गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों दसवां कि डाइक्लोफिनेक नामक दर्द निवारक दवा जो पशुओं को दी जाती है के अतिरिक्त अन्य अवयव जो गिद्धों के विनाश का कारण बना वो है ऑक्सीटोसिन। देखिए डाइक्लोफिनेक नामक जो दवा होती है वो पशुओं को दी जाती है दर्द निवारक दवा के रूप में, ठीक है। और इसका जो असर होता है पशुओं की बॉडी पे वो किडनी पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई दर्द की दवा किडनी को काफ़ी इफेक्ट करती है और इसके साथ साथ में ये स्टोर हो जाती बॉडी में, और उसके बाद में जब अगर कोई पशु मरा तो उसकी उसके शव को अगर किसी गिद्ध ने खाया तो ये दवा जो है पशु की बॉडी में स्टोर है और ये गिद्ध के शरीर में पहुँच गई उसके भोजन के साथ में, ठीक है। तो हुआ क्या कि गिद्धों की जो किडनीज थी वो उसको सह नहीं पाई और इसके बाद में वो धीरे धीरे करके मरने लगे। तो बहुत बड़ा कारण बनी डाइक्लोफिनेक नाम की दवा गिद्धों के विनाश के लिए, उनकी संख्या की उनकी प्रजातियों को कम करने के लिए। और इसके साथ साथ में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है, ठीक है। ये दुग्ध उत्पादन में यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में सहायता करता है। ये एक्चुअली फीमेल हार्मोन है, ठीक है। तो जानवरों से ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न जो दूध व्यवसायी होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये भी जो होता है जरूरत से ज़्यादा जब बॉडी में पहुँच जाता है तो नुकसानदायक है, गिद्ध जो है इसको सहन नहीं कर पाए और ये कंसंट्रेशन हो जाता है इसका बॉडी में जानवरों की, जो कि गिद्ध नहीं सहन कर पाए अगर वो उन्होंने किसी जानवर के मरे हुए शव को खाया जिसमें ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण ज़्यादा था, वो ज़्यादा जमा था और इसके साथ में वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई, वो मरते चले गए, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफिनेक ये जो आपके दो केमिकल्स हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्शन पे सरकार ने रोक लगा दी है। बहुत सारी जगहों पे चोरी छुपे हो सकता है मिलते भी हों ये, लेकिन ये डाइक्लोफिनेक और ऑक्सीटोसिन का पशु विज्ञान में या पशु चिकित्सा में जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डाइक्लोफिनेक का नाम और ऑक्सीटोसिन, डाइक्लोफिनेक एक दर्द निवारक है जबकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों 11वां की गिद्धों के संरक्षण और ब्रीडिंग के लिए वर्ष 2001 में स्थापित जटायु संरक्षण यानी कि गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पिंजौर नाम की जगह है हरियाणा में, वहाँ पे स्थापित हुआ था। और देखिए 2001 में इसको स्थापित किया गया था, जो हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसके द्वारा, और आपकी एक संस्था और थी इसमें, ठीक है, उसको उसकी संस्था का नाम पता करिएगा वो कौन सी संस्था है, ठीक है। तो ये पिंजौर में था। गिद्धों की संख्या लगातार कम होती चली गई, जब गिद्धों की संख्या लगातार कम होती चली गई तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये पहले तो नॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था कि इनके संरक्षण के लिए रिसर्च के लिए, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ा एक आपका प्रोजेक्ट बन गया। तो ये 2001 में स्थापित हुआ था जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ठीक, पिंजौर हरियाणा में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि फ्लाइंग फॉक्स का नामक जीव है। तो फ्लाइंग फॉक्स जो है वो फल खाने वाला चमगादड़ है, इसको फ्रूट बैट भी कहा जाता है। विश्व में जो बड़े चमगादड़ हैं उनमें से ये एक चमगादड़ है, ठीक है, जो भारत में प्राप्त होता है। फ्लाइंग फॉक्स जो है वो आपका फल खाने वाला चमगादड़ है, फ्रूट बैट होता है, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों 13वां कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फलों को कृत्रिम रूप से
पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बन जाती है जो फलों को पकाने में सहायता करती है, लेकिन ये जो है नुकसानदायक प्रक्रिया है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाना। आप इसके अलावा और किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नियंत्रित तरीके से एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और इसके साथ में एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। गैसेस की अगर बात करेंगे तो इथाइलीन या एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो एथिलीन होती है वो प्लांट्स में आपका एक हार्मोन के रूप में होती है, ठीक है, और जो नेचुरल तरीके से फ्रूट राइपिंग होती है, फ्रूट जो पकते हैं, ठीक है, वो आपके एथिलीन के कारण से पकते हैं, ठीक है, और इसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है आपका फ्रूट्स को पकाने में नियंत्रित तरीके से, लेकिन ज़्यादातर कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये सस्ता पड़ता है इस कारण से, और इसकी हैंडलिंग आसान है, इसलिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो स्टडी ऑफ द सॉइल है, ठीक है, ये मृदा का अध्ययन है, ये पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है, तो पेडोलॉजी है जो मृदा का अध्ययन है, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व के बहुत ठंडे क्षेत्र में स्थायी रूप से जमी हुई भूमि या मृदा की परत क्या कहलाती है। तो ये परमाफ्रॉस्ट है। देखिए, कम से कम कोई भूमि का जो पानी है या उसमें जो वाटर वेपर मिल रही है वो 2 से 3 साल के लिए लगातार अगर जम जाती है, ठीक है, भूमि में मिट्टी जम सकती है, चट्टान जम सकती है, या कोई भी अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स जो होते हैं ज़मीन में वो जब जम जाएं 2 से 3 वर्ष के लिए, कम से कम 2 से 3 साल के लिए अगर ये जम जाए लगातार, तो ऐसी जो भूमि का क्षेत्र होता है वो आपका, ऐसी भूमि आपका या सॉइल रीजन जो है वो परमाफ्रॉस्ट भूमि या परमाफ्रॉस्ट सॉइल कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। विशेष रूप से जो ठंडे स्थान होते हैं, अत्यंत ठंडे स्थान होते हैं, जैसे रूस का साइबेरिया हुआ, ठीक है, बहुत ठंडा स्थान है, तो यहाँ पर जो है वो आपका परमाफ्रॉस्ट वाली भूमि प्राप्त होती है, ठीक, वर्खोयांस्क हो गया रूस का, ठीक, या आपका आर्कटिक का रीजन हो गया जो बहुत ठंडे स्थान है, यहाँ पे जमी हुई लगातार भूमि कम से कम 2 से 3 साल तक ये जमी रहे, उसके बाद में ऐसी कंडीशन को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है, 1875 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। उस टाइम चक्रवात वगैरह बहुत आया करते थे, तब ब्रिटिश सरकार ने, उस तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया था कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाने के लिए, तो स्थापना की गई थी 1875 में, ठीक। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वायुमंडल का सबसे ठंडा स्तर यानी कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, सबसे ठंडा स्तर कौन सा होता है, मध्यमंडल होता है, मध्यमंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं। देखिए, एक्चुअली जो मीजोस्फीयर होता है यानी कि मध्यमंडल है, तो उसका सबसे ऊपरी जो आपका लेयर होती है, फेज होता है, जैसे मीजोपॉज कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन है दो स्टार्टा के बीच में, दो लेयर्स के बीच में, ठीक, तो ये मध्यमंडल का जो मीजोस्फीयर वाला पार्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट, अपर पार्ट होता है, वो सबसे ठंडा पार्ट होता है, ठीक, पूरे के पूरे वायुमंडल का। अगला पॉइंट है दोस्तों लास्ट कि भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का ठंडा जो मरुस्थल है वो लद्दाख है, ठीक, कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है लद्दाख, ठीक है, और इसके साथ में ये भारतीय मानसून के संदर्भ में वृष्टि छाया क्षेत्र भी है, ठीक है, रेन शेडो रीजन है, यानी कि पूरे भारत में पानी बरसता है, यहाँ पे पानी नहीं बरसता है, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई घटना घटित हो और दूसरी जगह पे ना हो, ठीक है, तो उसको छाया क्षेत्र कहते हैं। अगर पानी से संबंधित है तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा, जहाँ पे पानी नहीं बरसेगा, रेन शेडो रीजन कहलाएगा, मानसून प्रभावित नहीं होता क्योंकि बहुत ठंडा एरिया है। इसके साथ साथ में आप दोस्तों ये बताइएगा कि विश्व का सबसे ठंडा जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है। और ये भी बताइएगा कि गोबी नाम का एक मरुस्थल है, ये भी कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है, ये कहाँ पर लोकेट है। तो गोबी कोल्ड डेजर्ट और विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है, कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।